हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सीयूईटी पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सीयूईटी एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है एमएसडब्ल्यू हो, पीजी हो या एलएलबी हो, किसी का भी एग्जाम अब सीयूईटी के तहत ही होता है। अगर आपको नहीं पता है तो लेट मी नो, हम एक डिटेल सिलेबस विथ एग्जाम पैटर्न आपके लिए वीडियोस की सीरीज लेकर के आएंगे। आज हम बात करेंगे एमएसडब्ल्यू के बारे में, हाउ टू क्रैक एंड हाउ टू गेट एडमिशन इन बीएचयू। बीएचयू में आप एडमिशन कैसे ले सकते हो, ये बाइलिंगुअल वीडियो होगा, सो डोंट बी पैनिक। हमारी क्लासेस भी बाइलिंगुअल होते हैं। यू आर गोइंग टू टेक क्लासेस इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप क्लास ले सकते हो। सो मास्टर्स इन सोशल वर्क का मैं खुद टॉपर रहा हूँ। आई एम द टॉपर इन एमएसडब्ल्यू एंट्रेंस एग्जामिनेशन एज वेल एज थ्री अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो आपको एक बेटर गाइडेंस मैं प्रोवाइड करूंगा बहुत ही अच्छे से। जुड़े रहो चैनल के साथ, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं बताने वाला हूँ। सीयूईटी 2024 में आपको ये हेल्प मिल जाएगा इस वीडियो से। ध्यान से समझिए, एमएसडब्ल्यू का एडमिशन अगर आपको लेना है, एमएसडब्ल्यू में क्यों लेना है, सबसे बड़ी रीजन है बीएचयू से प्लेसमेंट के अच्छे खासे चांसेस है, अच्छी अच्छी कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, और आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है एक बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का भी, अलॉन्ग विथ योर प्लेसमेंट। लाइक मेरा प्लेसमेंट जहां हुआ, उस जैसी बहुत सारी कंपनीज आती हैं, अच्छे अच्छे एनजीओ आते हैं और वो आपको सिलेक्ट करके ले जाते हैं। सो सबसे बड़ा सवाल जो आपके सामने आता है कि सर कैसे पढ़े, क्या करें, तो ये सब भी हम आपको बताने वाले हैं। देखो, अगर आप इस बात के लिए तैयार हो कि आपको क्लासेस की जरूरत है, जो कि आपको वाकई में जरूरी है, क्योंकि इसकी कोई बुक आपको नहीं मिलेगी, आपको सारा नोट्स, ई बुक, रिकॉर्डिंग्स एंड लाइव लेक्चर्स हम पढ़ाएंगे, और लाइव क्लासेस में आपको कॉल कनेक्ट हो जाएगा। कॉल कनेक्ट फैसिलिटी मतलब आप उसमें बात कर सकते हो। ईबुक, पीडीएफ, हर कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आपकी मॉनिटरिंग करेंगे, असेसमेंट, डिस्कशन एंड बहुत सारी फैसिलिटीज आपको, मेंटरशिप वन टू वन मिलेगा, प्रैक्टिस सेशन, हर कुछ मिल जाएगा। सो, आपको ये कोर्स जो है वो अभी 1999 रुपए में मिल जाएगा। मतलब जो भी स्टूडेंट इस वीडियो का रेफरेंस मुझे देगा उसको ये मिल जाएगा 1999 रुपए में। याद रखिए, ये एक लास्ट ऑफर है उन बच्चों के लिए जो काफी दिनों से वेट कर रहे हैं, ठीक है। सो, मेरे बारे में ये थोड़ा सा जनरल इंफॉर्मेशन है, प्लीज याद रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे एग्जाम्स मैंने क्रैक किया है, ऑलरेडी इन डिपार्टमेंट। सो चलिए देखते हैं, कुछ बच्चों का रिजल्ट भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं एमएसडब्ल्यू 2024 के एग्जाम की तैयारी के रिगार्डिंग आपको बताने के लिए। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि अगर इस एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है वाकई में, तो फंडामेंटली आपको पहला चीज जो करना होगा, नो द एग्जाम पैटर्न। कैसे आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो अगर आप उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में ही नहीं जानते हो? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमने एमएसडब्ल्यू की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कट ऑफ, प्रीवियस ईयर में कितने कट ऑफ थे, क्या क्या कट ऑफ इस बार रहे, ये सब हमने बताया हुआ है, वो आप जरूर विजिट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। साथ ही साथ हम अपने एप्लीकेशन का भी लिंक दे देंगे जिसपे आपको कुछ प्रैक्टिस सेशन फ्री में मिल जाएंगे और उसपे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएगा। कई बच्चे मुझे व्हाट्सएप करते हैं कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ भेज दो। डियर, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, वहां मिल जाएगा, डोंट वरी। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको वहां पे मिलेगा उसको, उससे आपको, उससे भी एग्जाम का पैटर्न का अंदाजा लग जाएगा। तो सबसे पहले देखो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में जानो, सिलेबस को ध्यान में रखो जो ऑफिशियली सिलेबस दी गई है। लाइक बीएचयू के लिए जो सिलेबस है वो जनरल पेपर का एक कोड है, उसमें क्या क्या पूछी जाएंगी मैंने वो भी बताया, लेकिन फिर से आपको रिवाइज करवा रहा हूं। उसमें याद रखिए, पहला रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसी में आपके पोर्शन जो रहेंगे वो रहेंगे मेंटल एबिलिटी में मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड उसके कुछ क्वेश्चन, राइट। सो वो आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा है आपका जीके जीएस पोर्शन एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की क्लासेस हमारी अलोंग विद जीके जीएस मॉर्निंग में अब स्टार्ट होगी, सो बी रेडी फॉर दैट। तीसरी जो चीज है, आपको एक लैंग्वेज रेडी करके रखना है। ये सारा मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे आपको समझाया हुआ है, अभी बस आपसे वन टू वन मुखातिब हो रहा हूं, क्योंकि बच्चों, बच्चे शायद भूल गए हैं कि अगले साल एग्जाम है। देखो यार, मैंने देखा है हर साल 6-7 साल से इंडिया की टॉप एमएसडब्ल्यू की यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में मैं एडमिशन करवा रहा हूं बच्चों का, और उन्होंने रिजल्ट, उनका ही रैंक अच्छा आया जो टाइम से तैयारी कर रहे थे, ठीक है। सो ये आप ध्यान रखना,
कि अभी से स्टार्ट कर दो, अब वक्त नहीं है आपके पास, आपको अब वक्त नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मार्च अप्रैल में एग्जाम है और वो आपके लिए बढ़ेगा नहीं, आपके लिए तो नहीं बढ़ेगा डेफिनेटली। सो बीएचयू डीयू जेएमआई जिसके लिए भी आप तैयारी करते हो, ये सारा सीरीज आपके लिए होगा। आपको क्या करना है, फोकस्ड होके एग्जाम पैटर्न फाइंड आउट करो, सिलेबस देखो एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर डालो। जो नहीं सॉल्व होता है उस पोर्शन को अलग लिखो, जो सॉल्व हो रहा है उस पोर्शन को अलग लिखो। मतलब वीक एरियाज पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है और जो आपके कमजोर पहलू है उस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मजबूत वाले को रिवीजन करते रहो रेगुलर में, आपको पता चल जाएगा कि आपको इन 3-4 महीनों में कैसे तैयारी करनी है। हर एग्जाम को क्रैक करने का ये सबसे बेहतर तरीका है। सिलेबस काफी ग्रॉस है, ग्रॉस मतलब देखो अगर आप देखोगे इस सिलेबस को तो लगेगा बहुत 2-4-5 ही सब्जेक्ट है या 2-4-5 चीजें ही पूछी जा रही हैं, लेकिन काफी ग्रॉस इन द सेंस बहुत डाइवर्सिफाइड भी है। लाइक रीजनिंग में जो चैप्टर्स हैं वो आपको काफी मतलब इन्फ्लुएंशियल भी है, प्रभाव भी डालेंगे आपसे, प्रैक्टिस की जरूरत होगी, पढ़नी भी पड़ेगी, थ्योरीज भी समझना होगा, तो हर एक चीज उसमें करना है, प्रैक्टिस आपको रेगुलर करना होगा। सो डोंट बी लेट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा अलॉन्ग विथ योर डिमांड। हमें आप जरूर बताओ, हम कोर्स का लिंक भी आपको पिन कर देंगे और अपने एप्लीकेशन का भी। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।